मैनीतादेवी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय योग विभाग से आपका स्वागत करती हूँ। हट प्रदीपिका में वर्णित आसन के क्रम में जो आज का अभ्यास है हमारा सिद्धासन का अभ्यास, यह एक ध्यानात्मक आसन है। वह सभी आसनों में सर्वश्रेष्ठ सिद्धासन का अभ्यास आप करेंगे। इससे पूर्व यह जान लें कि स्वामी स्वात्मा राम जी ने हट प्रदीपिका में सभी आसनों में चार विशेष आसनों का वर्णन किया गया है, जो कि चार मुख्य आसन है, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन व भद्रासन। और इसमें भी सर्वश्रेष्ठ सिद्धासन को बतलाया है जो मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। जब आप यह अभ्यास करेंगे तो जब आप अंतिम स्थिति में जालंधर बंधन लगाएंगे तो आप यह ध्यान देंगे कि श्वास अंदर या बाहर किसी भी स्थिति में आप यह अभ्यास कर सकते हैं, परंतु आपका श्वास प्रश्वास ठहरा हुआ रहेगा। तो पैरों को सामने की ओर फैल लें, इस प्रकार इसकी विधि होगी। धीरे से एक पैर को मोड़ते हुए आप शिवलिंग के पास लेकर जाएंगे, दूसरे पैर को मोड़ते हुए ठीक उसी के ऊपर शीर्ष प्रदेश पर थोड़ा थोड़ा दबाव देते हुए कमर सीधी रखेंगे। इसमें जालंधर बंद का अभ्यास करना है। कंठ क्षेत्र की मांसपेशियों का संकुचन करते हुए ठुड्डी को हृदय प्रदेश पर लगाने का प्रयास, जिसमें आप श्वास अंदर या बाहर की ओर रोक कर रखेंगे। और अंतिम स्थिति में भूमध्य दृष्टि रहेगी। दोनों हाथों को आप घुटनों के ऊपर रख सकते हैं स्थापित करते हुए। धीरे से वापस आएंगे। यदि आप श्वास अंदर रोक कर रखे हैं तो श्वास बाहर निकालें। यदि आपने श्वास बाहर निकाली थी तो आप श्वास भरते हुए धीरे धीरे जालंधर बंद खोलते हुए आंखों को सामान्य स्थिति में लेकर आएंगे। दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में, वो पैरों को सामान्य स्थिति में आप लेकर आते हैं। ध्यान रहे, अभ्यास नियमित करने पर ही सिद्ध होता है। इसमें आप लंबे समय तक ध्यान की स्थिति के लिए अभ्यास कर सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको इसका नियमित अभ्यास करना पड़ेगा। कुछ विशेष सावधानियां यही है कि जब आप अभ्यास करें तो आपकी सहज स्थिति रहे, क्योंकि ध्यानात्मक आसनों में यदि आपकी कमर में किसी प्रकार का दर्द हो तो आप लंबे समय तक नहीं बैठ पाएंगे। इसके लिए आप किसी दीवार का सहारा ले सकते हैं कमर पर, परंतु आपकी रीढ़ की हड्डी प्रत्येक ध्यानात्मक आसन में सीधी रहती है। तो इस प्रकार आप इसका अभ्यास करेंगे।